राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का रंगारंग हुआ शुभारंभ। रीवा के एनसीसी मैदान में लगभग 500 प्रतिभागियों के साथ ही कई टीमें प्रदेश की हिस्सा ले रही हैं इस आयोजन में। रीवा के एनसीसी मैदान में प्रदेश भर के खिलाड़ी अधिकारियों का जमावड़ा, वह भी महिला कबड्डी को लेकर। जी हां, हम आपको बता दें, रीवा में काफी अरसे से खेल की गतिविधियों का संचालन नहीं हो रहा था सिवा क्रिकेट के। ऐसे में सामने आई विक्रम अवार्ड से सम्मानित अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी दर्शना बाकड़े और उनकी टीम, जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ खेलने की गतिविधियां संचालित की। नतीजा हमारे सामने है, रीवा के एनसीसी मैदान में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के रूप में। जय हिंद। आइए जानते हैं कबड्डी प्रतियोगिता को लेकर यहाँ पर दर्शना वाकड़े ने कैसी रणनीति बनाई और कैसे अपने खिलाड़ियों को लामबंद करके एक बड़े आयोजन का आकार दिया। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के टीआरएस कॉलेज के मैदान में। यहाँ पर इंटर स्टेट कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा है, वह भी महिला कबड्डी का। महिलाओं द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ विक्रम अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी दर्शना वाकड़े जी हैं। हम सबसे पहले उनसे जानेंगे इस आयोजन की, उनको किस तरीके से प्रेरणा मिली, वो कैसे आयोजित कर रही हैं। नमस्कार, मैं दर्शना वाकड़े। ये टूर्नामेंट की प्रेरणा हमें हमारे मध्य प्रदेश के सचिव श्री मिस्टर श्री कृष्ण लक्कड़ जी हैं, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला कि आप इतने अच्छे प्लेयर्स, इतने अच्छे यहाँ पर परखने वाले हैं, तो आप इसको ऑर्गेनाइज भी करवाओ और इस टूर्नामेंट को सफल बनाओ और अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट करो आप इसमें। क्या कहना है आपको? नमस्ते, मेरा नाम श्रद्धा द्विवेदी है। मैं रीवा कॉरपोरेशन टीम की कैप्टन हूँ। हमारे यहाँ इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, बस यही चाह रहे हैं कि बस अच्छे से हो जाए और हमारे प्लेयर अच्छे से खेले, अच्छा परफॉर्मेंस दें। थैंक यू। नमस्ते, मैं रितिका शुक्ला। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से जैसे दर्शना दीदी इंटरनेशनल प्लेयर निकली हैं, वैसे और प्लेयर आएँ और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दें सारी लड़कियों को। नमस्कार, प्रतिमा सिंह, हम इसके उप सचिव हैं कॉरपोरेशन एरिया कबड्डी संघ के। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारी दर्शना दीदी आगे बढ़ी, रीवा की बच्चियाँ आगे हैं, क्योंकि रीवा खेल में बहुत पीछे है। इसी कारण को, इस वजह को देखते हुए हम लोगों ने यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और बड़ी मेहनत करके हम लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। मेरा नाम पायल सिंह है और ये टूर्नामेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा सहयोग किया है और ख़ास करके मतलब रीवा की जनता ने भी सहयोग किया और यहाँ के बहुत से जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनने भी सहयोग किया। अब एक ख़ास चीज़ रह गई है, वो है जनता। मैं जनता से चाहूँगी कि वो प्लीज़ आए और हमारे इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाएँ। थैंक यू। नमस्कार, मैं लीला श्रीवास। मैं चाहती हूँ कि ये जितने भी खिलाड़ी हमारे यहाँ पे हैं वो बहुत अच्छी मेहनत करें और दर्शना वाकड़े का नाम रोशन करें। आप इस आयोजन में शुरू से जुड़े रहे हैं जी, अभी तक की क्या स्थितियां, क्या लग रहा है आपको कि ये टूर्नामेंट किस ऊंचाई तक जाएगा? ये रीवा की जो खेल की प्रेमियों की धरती है, ये एक मील का पत्थर साबित होगी और महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के लिए और उनके जीवन में एक नए आयाम लाने के लिए बहुत ही एक उचित माध्यम से एक कार्यक्रम किया जा रहा है। दर्शना वाकड़े जी विक्रम अवार्ड हासिल की, उसके बाद हम सबको प्रेरणा मिली कि महिलाओं को हम लोग आगे लाएं और स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे लाना अधिक सरल लगा मुझे। इस आयोजन में अभी तक कितनी टीमों की एंट्री प्राप्त हो चुकी है, पूरे टूर्नामेंट के बारे में जरा डिटेल से बताइए। नमस्कार, मैं जगदीशन शर्मा, रेफरी बोर्ड का चेयरमैन हूँ मध्यप्रदेश कबड्डी एसोसिएशन की ओर से। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये इस पिछली जितनी भी हमारी स्टेट चैम्पियनशिप हुई है महिलाओं की, उसमें रिकॉर्ड इसमें भागीदारी हुई है। इसके पहले कभी भी 18, 19 से 20 टीमों से ज़्यादा कभी भी टीमों ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन ये आयोजकों का और हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे माननीय श्री लक्कड़ जी जो मेहनत अभी कर रहे हैं उसका फल है। और दूसरा, मैं श्रेय देता हूँ प्रो कबड्डी को, जो अभी स्टार स्पोर्ट्स वाले भी इसको कवर कर रहे हैं, उसकी वजह से इस टाइम 28 टीमें इसमें भाग ले रहे हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरी बात आती है आयोजन की, तो आयोजन में तो यहाँ आने के बाद जो हम यहाँ देख रहे हैं, दर्शना वाकड़े हमारी बहुत सीनियर प्लेयर है और इंडियन प्लेयर है और गोल्ड मेडलिस्ट है, वो शायद किसी ने बताया नहीं, इंडिया की टीम ने उनके नेतृत्व में भारत को गोल्ड मेडल भी दिया था श्रीलंका के अंदर।
तो उन्होंने जो आयोजन किया है वो एक उच्च कोटि का और अच्छे क्लास का जो है अरेंजमेंट्स है, जो खाने का देख के आए हैं, रहने का इंतजाम उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया है। सबसे बड़ी बात जो ट्रांसपोर्ट की होती है वो उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, सब टीमों को अच्छे तरीके से लेके आए हैं, उनको अच्छी रहने की व्यवस्था की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी प्रतियोगिता हुई उनमें बहुत अच्छी प्रतियोगिता होगी। और रहा सवाल यहाँ कि जैसे अभी दो तीन हमारे खिलाड़ियों ने बोला कि यहाँ लड़कियों को नेतृत्व नहीं मिलता है, लड़कियाँ आगे नहीं आती हैं, तो एक इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है सब लोग ने मिल करके कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे और लड़कियों को बहुत अच्छा नेतृत्व मिलेगा, अच्छी लड़कियाँ यहाँ से निकलेंगी। जैसा कि यहाँ पर तमाम लोग बता रहे हैं कि इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है जिससे यहाँ पर लड़कियों को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। मैं दर्शना जी से चाहूँगा कि वो हमारे इस जैसे यहाँ पर अब सामने बहुत बढ़िया आपने ग्राउंड आर्टिफिशियल तैयार हुआ है, क्या इस तरीके का कभी भी यहाँ पर इस तरीके के मैदान में इस तरीके की व्यवस्थाओं में कभी कबड्डी खेली गई? जी इतने साल मैंने भी खेला है, पर शायद अब अपने में मुझसे भी तारीफ़ कर रही हूँ कि मैं आयोजक हूँ बोलना नहीं चाहिए, पर कह रही हूँ कि ऐसा रीवा में आयोजन पहली बार ही हो रहा है इतना भव्य रूप से जी महिलाओं का। दर्शना जी का साफ तौर से कहना है कि इस तरीके का जहाँ पर व्यवस्थाएँ, हालाँकि वो खुद आयोजक हैं, मैदान की जो तैयारी की गई है वो पहली बार रीवा में इस तरीके के मैदान की तैयारी की गई है। और आपने हम अपने दर्शकों से उस क्षण को आपको शायद याद हो जब आपने गोल्ड मेडल जीता था, शेयर करिए दर्शकों से। जी बिल्कुल, मुझे अभी भी याद है, ऐसा लगता है कि वो काफ़ी साल नहीं, ऐसा लगता है कल ही खेल के आई हूँ। काफ़ी यहाँ के पब्लिक ने और जनता ने मुझे जो स्नेह प्यार दिया जब मैं लौट के आई, मुझे बिलीव नहीं था कि यहाँ के लोग इतना उसको मानते हैं और इतना उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आई शासन प्रशासन मेरे लिए बिल्कुल खड़े थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सम्मानित किया, थैंक्स सभी को। जैसा कि आपने साफ तौर से बताया कि जब वो यहाँ पर से खेल के लौटी थी, आज इस ग्राउंड पे आके उनकी वो सारी यादें ताज़ा हो गई हैं, उनको बहुत सम्मान मिला था। वो ये चाहती हैं कि रीवा के बच्चे इस खेल में काफ़ी आगे जाएं, जिस तरीके से उनने नाम रोशन किया देश का, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया है, और बच्चियों को भी इस तरीके से सम्मान मिले, उनको भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। रीवा दर्शन के लिए मैं जावेद अंसारी।